जय हिंद। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आ चुके हैं डुमराव में और आज देखने वाले हैं डुमरेजिन माता का मंदिर। और अभी हम गेट के पास खड़े हैं, जो अभी आप गेट देख रहे थे, पहले ये गेट नहीं था। और आज हम देखेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है, कैसा दिख रहा है मंदिर, सब कुछ जानेंगे और देखेंगे। तो चलते हैं अंदर, अभी हम गेट के पास है और अंदर चल के सब कुछ देखते हैं। देखिए, गेट से हम प्रवेश कर चुके हैं और चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। अभी जो आप देख रहे थे कि टाइल्स वगैरह लग गया है, पहले ये सब डेवलपमेंट नहीं था, अभी फिलहाल टाइल्स लग गया है। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या क्या बदलाव आया है। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप गेट से प्रवेश करेंगे तो सामने आप जैसे देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये हनुमान मंदिर है। और इधर से ठीक सामने देख लीजिए माता डुमरेजिनी का मंदिर। तो अभी हम देख लेते हैं हनुमान मंदिर की तरफ और कैंपस देख लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं डुमरेजिनी माता का मंदिर। ये अभी हम हनुमान जी का मंदिर जो है वसी पर घूम रहे हैं, या आप जैसे देख पा रहे हैं ये घेरा देकर के बना दिया गया है और यहाँ पर टाइल्स वाइल्स वगैरह अच्छा से सब कुछ बना दिया गया है। आप जैसे देख पा रहे हैं हमारे पीछे वीडियो में तो सब, और इधर भी देख लीजिए, जैसे कि ईटा उटा जो सीमेंट का होता है सब कुछ बिछा दिया गया है। तो पहले से बदलाव हुआ है, डेवलपमेंट दिखा है। जैसे कि हम अभी हनुमान मंदिर के चारों तरफ घूम पा रहे हैं और देखिए ये कुआ हुआ है, इसको भी यहाँ पर घेर ओढ़ कर सब कुछ देख लीजिए, स्टील से जो होता है उसको घेर ओढ़ दिया गया है। और अभी हम हनुमान जी के मंदिर की तरफ घूम रहे हैं और इसके बाद देखेंगे डुमरेजिन माता का मंदिर। तो अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि हम हनुमान जी के मंदिर की तरफ घूम रहे हैं और देखिए अच्छा विकास हुआ है यहाँ का। और अभी यहाँ पर टाइल्स वाइल्स वगैरह भी सब कुछ लग गया है। देख लीजिए ये डुमरेजिन माता का अंदर जो है हनुमान जी का मंदिर। तो अभी हम चलते हैं, आप लोगों को बाहर से दिखाया हनुमान मंदिर और अंदर अब चलते हैं और अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ, जैसे कि देख पा रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर है, सबको हम दिखाएंगे। देख लीजिए हनुमान जी का मंदिर है और इसमें मूर्ति है और हम आप लोगों को दिखा पा रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए ये मंदिर के अंदर, अभी जो हम आप लोगों को दिखाए वो बाहर का था, हनुमान जी के जो बाहर देख लीजिए जब अपनी हुआ तो वो वाला। और अभी हम हनुमान जी के मंदिर में अंदर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी चारों तरफ से मार्बल वार्बल सब कुछ बिछा दिया गया है और यहाँ पर जो कि साफ सफाई भी बहुत अच्छा है। तो अच्छा यहाँ पर विकास हुआ है अभी फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर का। हनुमान जी का मंदिर आप लोगों को दिखा दिए और हम अब दिखाते हैं आप लोगों को डुमरेजिनी माता का मंदिर। देखिए इधर भी मार्बल वगैरह चारों तरफ बिछा हुआ है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सफाई वफाई वगैरह भी हुआ है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं, देख लीजिए डुमरेजिनी माता का मंदिर के पास और अंदर से दिखाते हैं डुमरेजिनी माता का मंदिर। ये जो आप देख पा रहे हैं डुमरेजिनी माता का मंदिर का गेट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, और चलते हम अंदर और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। देख लीजिए गेट है, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं और उसके बाद आप लोगों को डुमरेजिनी माता का दिखाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ डुमरेजिनी माता का इसी मंदिर में है, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं। और अब हम देख लेते हैं इस मंदिर के चारों तरफ। तो ये देख लीजिए ये मंदिर के चारों तरफ आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। और चलिए चारों तरफ घूम करके हम दिखा देते हैं। ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं डुमरेजिनी माता के मंदिर के हम अंदर हैं। देख लीजिए यहाँ पर साफ सफाई वगैरह सब कुछ अच्छा है। और देख लीजिए यहाँ पर इन्वर्टर भी लगा दिया गया है ताकि बिजली उजली का कभी दिक्कत हो, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना आए, इसलिए यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह भी लगा दिया गया है। ये देख लीजिए आप लोग को हम दिखा पा रहे हैं डुमरेजिनी माता का, देख पा लिए हैं और देख लिए हैं डुमरेजिनी माता का मंदिर, जैसे कि आप लोग को हम दिखा दिए हैं शुरुआत में प्रवेश करते समय। और ये आप लोगों को मंदिर के चारों तरफ घूम कर भी हम दिखा चुके हैं। अब चलते हैं अब कैंपस में और भी जो कुछ भी है वो सब हम आप लोग को दिखा देते हैं, कितना बदलाव हुआ और क्या है और अभी कैसा दिख रहा है। ये डुमरेजिनी माता के हम जो कैंपस है उसी के अंदर पोखरा का निर्माण किया गया है छठ वगैरह करने के लिए। आप इसे देख सकते हैं 2020-21 का योजना है और यहाँ पर छठ स्थान के लिए पोखरा में छठ का निर्माण जो ये छठ के लिए किया गया है। और ये हम आप लोगों को दिखा रहे हैं नया निर्माण किया गया है, तो ये हम आप लोगों को चल के दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं
से पोखरा है और चारों तरफ से इसको घेर भी दिया गया है। तो यहाँ पर छठ करने वाले हैं, वो आकर फिर यहाँ से छठ करेंगे उनके लिए। और देखिए घाट वगैरह भी बनाया गया है, जैसे कि आप लोग को हम दिखा पा रहे हैं, देख लीजिए। और इसका थोड़ा सफाई उफाई नहीं हुआ है, तो अभी सफाई छठ में दिख है, तो सफाई होगा कुछ दिन में। अभी फिलहाल पानी वगैरह गंदा है, इसमें कुछ इसे कुछ कुछ गिरा हुआ है, तो इसको सफाई होगा। लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए, ये छठ के लिए यहाँ पर पोखरा का निर्माण किया गया है। आप लोग जैसे कि देख, आप लोगों को छठ के लिए जो यहाँ पर नया पोखरा का निर्माण किया गया है वो सब दिखा चुके हैं। और इसके बाद चलते हैं और भी कैंपस में जो कुछ भी है यहाँ पर नया निर्माण हुआ है या जो पहले से है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसा दिख रहा है, वो सभी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, डुमरेनी माता का मंदिर है और सामने जो देख रहे हैं ये पोखरा है। एक डुमरेनी माता का मंदिर से ठीक सामने ही है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम अब कैंपस में घूम रहे हैं और देख लीजिए यहाँ पर कल वगैरह है, हम दिखा देते हैं। देख लीजिए हमारे पीछे कल है, कल वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है और कैंपस में हम घूम करके सब कुछ दिखा देते हैं। देखिए अभी कैंपस में है और यहाँ पर चल करके हम आप लोगों को चारों तरफ का कैंपस घुमा रहा है। देख लीजिए ये जो है यहाँ पर बिछाया बिछाया गया है ईंट, जो क्योंकि पहले से कुछ काफ़ी सुधार हुआ है और साफ सफाई भी है, ठीक है। और दिखा देते हैं आप लोग पूरा, ये देख लीजिए यहाँ पर बनाया गया है धर्मशाला रुकने उकने या कुछ के लिए, यहाँ पर ये सब बना दिया गया है। और आप लोग जैसे देखा है पीछे कॉल वगैरह भी है और सब कुछ है। और हम आप लोगों को अभी कैंपस निकाल रहे हैं जो रजनी माता के अंदर है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैंपस में बस वगैरह हम सब कुछ आप लोगों को दिखाते चल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं शेड वगैरह लगा है यहाँ पर, जैसे कि देख पा रहे हैं जो मंदिर है उसके पीछे साइड में शेड लगा है। और ये आप देख रहे हैं बाउंड्री देख पा रहे हैं। और ये देख लीजिए ये हनुमान जी का मंदिर, जैसे कि आप लोग को शुरू में दिखा है। और बगल में डुमरेनी माता का मंदिर वगैरह यहाँ पर बैठने वैठने के लिए है। जैसे कि हम आप लोगों को चारों तरफ डुमरेनी माता के जो मंदिर के अंदर कैंपस है वो सब कुछ दिखा चुके हैं। और डुमरेनी माता का मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर था वो सब कुछ दिखा चुके हैं। कैंपस के अंदर जो पोखरा वगैरह है, मार्बल वगैरह सब कुछ जितना भी कुछ है चारों तरफ आप लोगों को हम कैंपस दिखा चुके हैं। अभी जो आप हमारे पीछे जो डुमरेनी माता का मंदिर है और ये भी हम आप लोगों को अंदर से जा करके दिखा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के और सारा वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।